दिल्ली शहर जहाँ बिना पैसों के पानी तक नहीं मिलता, क्या ऐसे शहर में कोई बिना पैसों के 24 घंटे सरवाइव कर सकता है और इस शहर को फुल्ली इंजॉय कर सकता है? यही जानने के लिए आज सुबह बिना पैसों के मैं निकल गई दिल्ली की सड़कों पर, तो देखते हैं मैं अपना ये चैलेंज पूरा कर पाती हूँ कि नहीं। बिना पैसों के 24 घंटे, तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइज अभी सुबह के बज गए हैं 9:30 और मैं अपने घर से खाली पेट ही आ गई थी। अब मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, मेरे को बहुत भूख लग रही है और सबसे ज़्यादा मुझे याद जो आ रही है वो आ रही है चाय की। तो सबसे पहले अपने लिए चाय और नाश्ते का इंतजाम करते हैं, खोजना पड़ेगा, पूछते हैं किसी से यहाँ कुछ मिल जाए शायद हमें आज गरीबों को, क्योंकि आज 1 रुपये भी नहीं है निशु के पास। हेलो अंकल। अंकल मेरा ना एक चैलेंज चल रहा है, ठीक है, मेरे पास आज पूरे 24 घंटे के लिए 1 रुपये भी नहीं है, 0 रुपये, तो मुझे यहाँ कुछ फ्री में खाने को मिल सकता है कहीं आसपास? फ्री में कौन देता है पहले बता, मतलब क्या मिल जाएगा? चाय मिल जाएगी। चाय मिल जाएगी? हाँ चाय मिल जाएगी। अच्छा चलो मैं ट्राई करती हूँ मुझे चाय मिल जाए। अंकल कह रहे चाय मिल जाएगी बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। भैया सुनो तो, एक मिनट सुनो तो। अरे बोलिए तो। ये बताओ मेरा ना चैलेंज चल रहा है, मुझे बिना पैसों के पूरा दिन बिताना है। अरे कोई बात। अरे यार मेरा ना एक चैलेंज चल रहा है, तो आज मेरे पास 1 रुपये भी नहीं है, मतलब पूरा दिन 0, तो मुझे यहाँ कहीं कुछ फ्री में खाने को मिल सकता है? फ्री में यहाँ? हाँ यहाँ तो फ्री में है नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा कहीं भी? नहीं ऐसे तो खिला सकते हैं फ्री में। रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। तो आप मुझे फ्री में खिला दोगे? खिला कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं, तो गाइस हमें मिल चुके हमारे पहले बंदे जो मुझे कह रहे हैं वो मुझे फ्री में चाय नाश्ता कराएंगे। चलो आओ आ जाओ। थैंक यू सो मच। तो गाइस हमें हमारी चाय और मट्ठी मिल गई है भैया के बदौलत। फ्री की चाय का स्वाद भी आज अलग ही है। यार चाय की तलब तो भैया ने मिटा दी थी, पर नाश्ते की भूख अभी भी जिंदा थी, इसलिए फिर मैं निकल पड़ी नाश्ते की खोज पे। अंकल ब्रेड पकौड़ा कितने का है? 15 का एक। पैसे नहीं है मेरे पास, फ्री में खिला सकते हो? हाँ कुछ भी नहीं है, नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। कचौड़ी कितने की है? 10 रुपए। 10 रुपए की प्लेट है? 20 की प्लेट। 20 की प्लेट। मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे फ्री में दे सकते हो? फ्री में चलता है। मैं अपनी बेइज्जती करवा ही रही थी कि तभी मुझे मिल गए मेरे कुछ सब्सक्राइबर जो मेरे साथ सेल्फी लेने आए थे, पर मैंने सोचा क्यों ना आज अपने फेम का थोड़ा फायदा उठाया जाए और मैंने उनको ये बोला कि चैलेंज चल रहा है आज हम ना बिना पैसों के पूरा दिन बिताना है, हमें पूरा दिन 24 घंटे बिना पैसों के, तो यहाँ कुछ देख रहे कुछ फ्री में खाने को मिल सकता है यहाँ आस? फ्री में तो आपको पता फ्री में तो कुछ नहीं मिलता आजकल यहाँ पे, लेकिन आपको अगर खाने तो मैं आपको खिलाता हूँ। अरे आप सो सो स्वीट, क्या खिलाओगे बताओ? मुझे क्या करना, परांठा खाने क्या खिलाओ बताओ? जो भी मिल जाए। हमने ऑर्डर दिया 1 आलू पराठे का। वैसे ये वाला जो चैलेंज है एक लड़के ने और भी किया हुआ, आई थिंक आयुष, आयुष करके नाम है उनका, तो मुझे देखना ये उनके लिए मुश्किल था या मेरे लिए मुश्किल होने वाला है, या फिर एज अ गर्ल होने के नाते मुझे कुछ छूट मिलने वाली है, आसान होने वाला है मेरे लिए। चलो नाश्ता तो हो गया, पर अभी पूरा दिन बाकी था, फिर मैंने सोचा थोड़ा और एक्सप्लोर करने के लिए कनॉट प्लेस चला जाए, पर बिना पैसे के ट्रैवल कहाँ होता है। अंकल मुझे कनॉट प्लेस जाना है, आप मेरे पास 1 रुपये भी नहीं है, फ्री में छोड़ दोगे? अच्छा अभी बोनी करनी है बुढ़े, आज अंकल भी करती है उसको भूखा भी मारना चाहती है बोनी, अभी मैंने भूखा नहीं मारना चाहती, मेरी मजबूरी है, मेरे पास पैसे नहीं है। सबकी मजबूरी है। भैया मेरा ना एक चैलेंज चल रहा है, ठीक है, मेरे पास 1 रुपये भी नहीं है। सुनो तो, आप सुन लो, सुन तो लो, अब मेरा एक चैलेंज चल रहा है, ठीक है, मेरे पास 1 रुपये भी नहीं है, बिना पैसों के पूरा दिन बिताना है, मुझे ना कनॉट प्लेस तक जाना है, फ्री में छोड़ दोगे? मेरे को आज 1 रुपये भी यूज नहीं करने, बिना पैसों के दिन बिताना है। अच्छा माइक कैमरा बंद करना, उधर करो, कोई बात फिर बाद में तो पैसे दे। हराम ही हो बेटा। नहीं क्यों नहीं दोगे फिर? अरे अंकल मुझे यहाँ से कनॉट प्लेस तक जाना है, मेरे पास पैसे नहीं है, फ्री में छोड़ दोगे?
क्या 30 रुपए लेंगे अंकल, पैसे होते तो दे देती, 1 रुपए भी नहीं है, फ्री में छोड़ दो। छोड़ दोगे? अरे वाह, आ जा अंकल, थैंक यू। कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा था, आपने कैसे मदद करी? क्या होता है तस्वीर में प्रेम का, प्रेम की लकड़ी है। अच्छा, और प्रेम भी सब कुछ है। अच्छा अच्छा, इसको जो भूल गया वो खत्म हो गया। अंकल की बात तो सही थी, पर बात क्या थी ये समझ नहीं आया। फिर मैंने सोचा फ्री में छोड़ रहे हैं तो हाँ में हाँ कर देते हैं। ये प्रेम की नगरी है और हम प्रेमवासी। थैंक यू सो मच अंकल। तो गाइस फाइनली सीपी तक तो हम पहुँच ही गए हैं, अब आगे देखते हैं क्या करना है। गुलाब ले लूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं है, फ्री में देगा तो बता। नहीं ये लो, इसने भी मना कर दिया, इसने भी मना कर दिया, हद हो गई। आज मेरे पास पूरे दिन के लिए 1 रुपए भी नहीं है, क्या करूं? ला तेरे भी कॉम, नहीं भी कॉम है, 20 रुपए दे देना। अगर मैं ये फूल भेज दूंगी जाओगी तो ऐसे मैं परेशान। उन्होंने बोला जान अबे अपना काम कर निकल यहाँ से, वैसे ही मैं परेशान हूँ। तो गाइस हम सीपी आए थे तो मुझे याद आया यहाँ टेम्पर्ड की बहुत सारी दुकानें हैं और मेरे फोन पर टेम्पर्ड नहीं है, तो ट्राई करते कि कोई फ्री में मेरे फोन पर टेम्पर्ड लगा दे, क्योंकि यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं। तो मैं जाके पूछने वाली हूँ और सबसे बोलने वाली हूँ कि प्लीज फ्री में कोई टेम्पर्ड दे दे। तो फ्री में टेम्पर लगा सकते हो? दुकान लगा रहे हो? अच्छा अभी लगा रहे हो, छोड़ो फिर तो। कितने तक का लग जाएगा? क्या प्राइस है? 100 से स्टार्टिंग है। पर भैया दिक्कत ये है कि आज मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है, फ्री में लगा दोगे? फ्री में लगा देंगे। लगा दोगे? फोन रख दो, जब पैसे आएंगे तो ले लेना। 1 रुपए भी नहीं है, आज मेरा चैलेंज चल रहा है, मुझे 1 रुपए भी खर्च नहीं करना। कौन सा दिक्कत, जैसे रोज चलाते हैं, दिन और चला लो। ये बेसिकली घुमा फिरा के ये बोल रहे कि ये नहीं लगाएंगे, है ना? मैं तो फिर कहाँ लगा दे, हम भी तो कमाने के लिए बैठे हैं। ला लगा दो, लगा दो। मतलब मान गए भैया फ्री में टेम्पर लगाने के लिए, चलो ये काम भी मेरा हो रहा है। इतना महंगा फोन, पैसे क्या करोगे बचा? पैसे है ही नहीं ना भैया, आज मुझे पूरा दिन बिना पैसों के बिताना है, बिना पैसों के खाना है, बिना पैसों के ही रहना है। लगा दे रहे, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, इतना मना करने के बाद लगा रहे हैं, फिर कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। भैया ने टेम्पर तो लगाया पर जलील करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। तो गाइस सीपी में बहुत देर घूमने के बाद मुझे दिखा है बर्गर किंग, तो मैंने सोचा क्यों ना यार एक बर्गर खाया जाए, बट यार जेब तो खाली है, देखते हैं क्या मुझे एक बर्गर मिलेगा या फिर यहाँ पे भी धक्के ही लिखे हैं जीवन में। मैम आलू बर्गर कितने का है? मैम आलू बर्गर नहीं होगा, क्लासिक वेज है, लाइट वेज में करे चीज मिल रही। मैम बस एक प्रॉब्लम है, मेरे पास ना पैसे नहीं, आप मुझे कुछ फ्री में दे सकते हो खाने के लिए? मैम ऐसे तो ऑप्शन ही नहीं है। मैम आप वीडियो बना रहे क्या? मैम मेरा चैलेंज। बर्गर किंग वालों ने तो हमें बर्गर देने से मना कर दिया, पर बर्गर तो खाना था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना यार किसी थर्ड पार्टी की हेल्प ली जाए। सुनो आज मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है, 24 घंटे तक बिना पैसों के गुजारा करना है, ठीक है? मेरा बर्गर किंग का बर्गर खाने का मन कर रहा है, खिला दोगे? तो जाना मेरे को नहीं है। पैसे नहीं है? नहीं खिला पाओगे? मेरे को किराए किराए के पैसे हैं। क्यों कुछ भी नहीं खिला पाओगे? अरे मच भैया मेरा ना एक चैलेंज चल रहा है, आज 24 घंटे तक मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है, बिना पैसों के गुजारा करना है, मेरा बर्गर किंग का बर्गर खाने का मन कर रहा है, बर्गर खिला दोगे? अभी तो मेरी जॉब ही नहीं है। जॉब ही नहीं है? हसदे चेहरियां दा मतलब ये नहीं हुंदा कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुंदी, ओदा मतलब ये हुंदा कि इन्हें तकलीफां नाल डील करना हुंदा। मैम मेरा ना चैलेंज चल रहा है, तो आप मेरी एक हेल्प कर दोगे? आज पूरे दिन मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है, बिना पैसों के रहना है, ठीक है 24 घंटे तक, तो मुझे बर्गर किंग का बर्गर खाना है, एक बर्गर खिला दोगे? मेरे पास अभी चेंज बढ़ा है 50 रुपए, आपको कुछ और खाना तो वो खा सकती है? नहीं मेरे को बर्गर किंग का बर्गर ही खाना है, सॉरी। कितनी खिलाएगा आप? खिला दोगे? अरे हाँ ना कुछ तो बोलो। हाँ
तो भैया के पास पैसे हैं, वो मुझे बर्गर, उनका बर्गर खिलाने के लिए रेडी हो गए। चलें आओ, बर्गर का जुगाड़ हो गया गाइस। बर्गर ये मिल लिए। हाँ थैंक यू सो मच, थैंक यू यार, थैंक यू। तो गाइस ये इतने प्यारे हैं, मेरा पहले चेक कर लेती हूँ कि बर्गर है कि नहीं है। नहीं खाली है। थैंक यू, वेलकम। यार खाना पीना तो जुगाड़ से हो गया था, पर बाकी चीज़ों के लिए अभी भी पैसों की ज़रूरत थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मेहनत करके कुछ पैसे कमाए जाए। सर मेरा ना एक चैलेंज चल रहा है, तो मैं आपकी गाड़ी साफ कर दूँ, आप मुझे कुछ पैसे दे दोगे? 10-5 जो भी। चैलेंज ये है कि आज मुझे बिना पैसों के मेहनत करके खाना है, मेरे पास पैसे ही नहीं है 24 घंटे तक, तो मैं कमाने आई हूँ। हाँ राइट, ओके, थैंक यू सो मच सर। फाइनली मैंने 10 रुपए कमाए खुद से। मैंने आपकी गाड़ी साफ करी, मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं? 50 रुपए, थैंक यू सो मच भैया। दस रुपए हो गए और 100 रुपए, थैंक यू अंकल। वो सेल्फी लेने लग गए थे, पर बत्ती जो है वो हरी होगी, पर उन्होंने मुझे 10 रुपए दिए। और ऐसे मैंने 7-8 कार साफ करके बनाए पूरे 180 रुपए। तो आप देखते हैं इस 180 रुपए में क्या क्या हो सकता है, कुछ ना कुछ तो मैं करूंगी इनके साथ, कुछ तो हो गई। यार दिल्ली घूमने और शॉपिंग ना करी तो क्या खाक मजे किए, इसलिए मैंने अपनी मेहनत के आधे पैसे इन्वेस्ट करे सरोजनी नगर जाने के लिए। तो गाइस अभी हम लोग आ गए सरोजनी नगर, और यहाँ पे कपड़े बहुत सस्ते मिलते हैं, लेकिन फ्री में तो कहीं भी नहीं मिलते हैं। तो देखते हैं यहाँ हमें कुछ फ्री में मिलेगा या नहीं मिलेगा, या सिर्फ धक्के मिलेंगे। कितने के है? 250 का है। 250 का है, पर सुनो तो दिक्कत ये है कि मेरे पास नहीं है आज पैसे, तो आप मुझे कुछ फ्री में दे सकते हो? फ्री में? हाँ फ्री में कुछ नहीं मिलेगा मैडम। कुछ नहीं मिलेगा? ओके, सबका अलग अलग प्राइस है। पर भैया बताए क्या है दिक्कत, ये आज मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है। तो फिर ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। कुछ भी नहीं आज भैया, मुझे ना आप कुछ फ्री में दे सकते हो, आज मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है। फ्री में कुछ नहीं होगा? कुछ भी नहीं, आप मुझे कुछ फ्री में दे सकते हो? फ्री में? भैया बोल रहे कि मैं यहाँ से यहाँ तक मैं कुछ भी ले सकती हूँ बिना पैसों के। जाओगे पैसा नहीं, दिल से बोल रहा और क्या। तो गाइस भैया ने मुझे दे दिया एक स्वेटर, वो भी बिल्कुल फ्री में, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। पन्नी तो दे दो। पन्नी दे रहे अलग अलग प्राइस है, पर भैया एक दिक्कत है, हमारा एक चैलेंज चल रहा है, ठीक है? ये बताएं। हमने बिना हमारे पास पैसे नहीं है, 24 घंटे बिना पैसों के रहना है, तो आप मुझे कुछ फ्री में दे सकते हो? फ्री में? हाँ फ्री में तो अपने घर वालों को भी। स्वेटर मिलने के बाद हमारी खोज तो जारी रही, पर बेइज्जती के सिवा कुछ हाथ नहीं आया। तो गाइज अभी है हमारा मोमोज टाइम, और आप सोच रहे होगे कि ये मोमोज कैसे आए, तो याद करो पीछे जाके जोरदार मेहनत करके कमाए हैं पूरे 180 रुपए। मैंने कितने पैसे कमाए थे? 180, जिसमें से 120 किराया लग गया था और बाकी पैसे मेरे बच गए थे, उसके लिए मैंने मोमोज खरीद लिए। तो कुछ इस तरह बीता हमारा पूरा दिन, पर जैसे जैसे रात बढ़ रही थी मेरी चिंता भी बढ़ रही थी, और फिर किसी तरह ऑटो वाले भैया से हेल्प लेके हम सीपी वापस आ गए। तो गाइस अब रात हो गई और अब टाइम अपने लिए डिनर का इंतजाम करने का, क्योंकि यार सुबह से घूम घूम के मैं इतना ज्यादा थक चुकी हूँ, और यार बहुत हो गया बाहर का खाना वाना। अब मेरा मन कर रहा है किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके एक लग्जरी डिनर करने का, तो अभी चलते और अपने लिए डिनर का इंतजाम करते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाके देखते हैं कि हमें कुछ खाने का मिलेगा या नहीं मिलेगा। दिक्कत ये है ना कि हमारे पास आज 1 रुपए भी नहीं है, तो आप हमें कुछ फ्री में खिला सकते हो क्या?
बता दो बुक मिल जाए जिससे, क्योंकि हमारा ना चैलेंज चल रहा है, तो आज हमें 24 घंटे में एक रुपए भी खर्च नहीं करने, बिना पैसों के सर्वाइव करना है, तो कुछ भी खिला दो फ्री में अगर खिला सकते हो। बहुत देर डिस्कशन करने के बाद भैया ने मुझे ऑफर किए, तो भैया ने मुझे फ्री में फ्राइड राइस दे रहे हैं खाने के लिए। थैंक यू सो मच भैया। तो गाइस मेरे फ्राइड राइस आ गए हैं, इससे मेरे डिनर का काम तो हो जाएगा, तो अब मैं टेंशन फ्री हूँ कि मुझे डिनर मिल गया है। नम्मे यार, एक तो फ्री का डिनर, वो भी इतना टेस्टी। और जब तक मैंने डिनर किया तब तक पूरा शहर खाली हो चुका था, और तभी मुझे रियलाइज हुआ दिल्ली में नाइट कर्फ्यू वो चालू हो चुका है, और आज फ्राइडे है तो आज से वीकेंड कर्फ्यू भी चालू हो गया है, जो कि खुलेगा सीधा मंडे को। तो अगर मैं बाहर कहीं भी रुकती हूँ तो पुलिस वाले मुझे उठा के जेल में डाल देंगे, और मेरा चैलेंज वहां जाके पूरा होगा। तो गाइज मयंक कौशिक जी आ गए हैं हमें पिक करने के लिए। आप आया, तू है भाई रॉयल चैलेंजर, कैसा चल रहा है तेरा? सुबह से मैं अकेली घूम रही हूँ। तो हार मान ली तूने इतनी जल्दी? भाई यार नाइट कर्फ्यू है भाई, मैं तुझे नहीं जानता, मैं जा रहा हूँ घर। अरे नहीं यार, नहीं 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 नहीं। तो गाइज इस चैलेंज को करते हैं हम लोग यहीं पे एंड। अभी 24 घंटे तो हुए नहीं पूरे यार, नाइट कर्फ्यू होने के बाद में बाहर रहते तो वीकेंड कर्फ्यू भी तो है। ये चैलेंज तो इसके लिए सबसे आसान चैलेंज रहा होगा, इनकी खानदानी आदत है मांग के खाने की, और आज इसने वही किया है, वो होगा पूरे दिन मांग के खाए ना गंदा है ये। तो गाइस प्लीज कमेंट करके बताना कि ये चैलेंज में हारी हूँ या जीतू, और अगर हार गई। और गाइस इस वीडियो में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, जीत और मेहनत, तो इस वीडियो पे 1,00,000 लाइक तो प्लीज करवा देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप जारू प्रकार, बाय, गुड नाइट। मैं ये चैलेंज हारी या जीती ये तो अब आप लोग ही डिसाइड करोगे, पर जिन लोगों ने आज मेरी हेल्प करी उन्होंने मेरा दिल जीत लिया, इसलिए हमने इन सबको दिए रिवॉर्ड्स जो हेल्प अमाउंट का डबल था। तो यार इन लोगों के लिए 1,00,000 तो बनता है।